हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। फटाफट देखेंगे कि एनर्जी क्या चल रही है। ओके, तो अभी नहीं, शफल कर लूँ। एनर्जी तो ये चल रही है भाई, ब्रोकन हार्ट, वही मैं सोच रही थी। एनर्जी क्या चल रही है, क्या रहने वाली है? देखो गाइस, अप्रिसिएशन, आप सिंगल हो सकते हैं, बिल्कुल आप डिवोर्सी हो सकते हैं। आप आपकी एज 35 से 40 के बीच में हो सकती है, 32 हो सकती है। यस, 51 हो सकती है। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि ये किसी ना किसी वजह से आपका दिल काफ़ी हर्ट, मेरे को यहाँ पर आप लग रहे हो। आपका दिल दुखा है क्योंकि आप सब कुछ जानते हो कि सामने वाला पर्सन की दिमाग में मेरे लिए चल क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई हो चुकी है। आज्ञा चक्र आपका हील हो रहा है, आप समझने लगे हो दूसरों की दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है, बट आप उसकी वजह से दुखी हो कि इस इंसान के अंदर, मैं इतना अच्छा इसके साथ बॉन्ड है मेरा, कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कुछ भी, ठीक है। तो आपको ना अब ऐसा लगने लगा कि यार इसके दिमाग में ऐसे चल रहा है, ऐसा जो वो दिखता है वो है नहीं, और जो वो है वो दिखता नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हो, आप उसके बारे में हर चीज़ सोच पा रहे हो कि ये मेरे लिए क्या सोच रहा है। इसी वजह से आप हर्ट हैं, इसी वजह से आप हर्ट हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप मेडिटेशन करते हो, चक्रास पे काम करते हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत ही पेशेंस आपने रखा हुआ है, चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्कुल होंगी। एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं, आप एक हीलर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप मतलब बातों से भी दूसरों को हील कर पाते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी जो ये एनर्जी है फिलहाल आई है, जो भी ओवरऑल, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की है जो कि हम लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग, हमारा जो डायमेंशन है वो 3D से 4D और 4D से 5D की तरफ बढ़ने लगता है। तो हमारी जो एनर्जी है काफ़ी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी सोच और दूसरे लोगों की सोच, जो नॉर्मल सोल है, उनसे मिलती नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप एक घर में रह रहे हो, और आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे इसलिए आ रही कि आप एक घर में रहकर आप उन लोगों को समझ पा रहे हो कि भाई ये मेरे को, मेरे लिए ऐसे सोचता है, ये मेरे लिए ऐसे सोचता है, मेरे पापा ऐसे सोचते हैं, मेरी मम्मी ऐसे सोचती है, मेरी बहन ऐसे सोचती है, मेरा भाई ऐसे सोचता है। तो आप उस चीज़ से हर्ट हो, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट आप दूसरों की मन की मंशा को समझ चुके हो, उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि बेटा पेशेंस रखो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रख चुके हो, ये तो होना ही है। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी आप जाओगे, सबके मन की बातों को ना आप यूं निचोड़ लोगे, समझ रहे हो। तो उससे आपको हर्ट नहीं होना है, आपको सावधान होना है, अलर्ट होना है, एंजल्स ये कह रहे हैं। ओके, क्या निकला? डिसीट, क्योंकि लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आपके सामने कुछ, पीठ पीछे आपकी बकवास बातें, बकवास जो कर रहे हैं, बातें जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं, बट वो आप जानते हो, ये फलाना दोस्त, ये फलाने घर वाले मेरे लिए ऐसा सोचते हैं और ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे अच्छे बन के दिखाते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा अब वो जता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उससे अवेयर हो चुके हो,
अवेयरनेस में आ चुके हो, क्योंकि आप अब तलवार लेके खड़े हो गए हो। अब आपको गुस्सा आ रहा है कि सामने बस बोलने की देर है, काट डालूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, हाथ में दे दूंगी मुंह तोड़ के। मैं तो सीधे बोलती हूँ, मुंह तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी, कोई भी बकवास करे अब मेरे सामने आए तो। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं अब कार्मिक जो बैगेज है रिलीज होगा, आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, ऑब्जर्वेशन में रहना है, यानी ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना चीज़ों को, दृष्टा बन के देखना है। एक पिक्चर देख रहे हो तो बस आपको देखना है कि कौन सा रोल कैसे, कौन कैसे प्ले कर रहा है, कौन सा करेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और आपको बस ध्यान देना है और अपनी एनर्जी को सेव रखना है, ओके। हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, और अपनी अपने अंदर बैलेंस लेकर आना है, ओके। तो ये है आपकी एनर्जी। आपको अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से, आसपास के लोगों से, जो आपको दिखाते कुछ है, हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना ही बचना है मेरे दोस्त। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। अच्छा, आपके पर्सन की देख लूँ? हाँ जी दोस्त, आपके पर्सन की मैं एनर्जी देख लूँ। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ये एनर्जी आ चुकी है और वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका थ्रॉट चक्रा भगवान ने ब्लॉक कर रखा है, बट वो आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी गाइस। आपके पर्सन को भी इसमें विक्ट्री चाहिए, इस कनेक्शन में, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, बट वो बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं, देखो क्या बोला मैंने, एनजाइटी में है, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं और सोच रहे हैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपके को अप्रोच करूं, है ना। आप तक अपनी अप्रोच ला नहीं पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये विक्ट्री लिख दी है, ये होगा। और ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है वो, क्योंकि उनके अंदर के जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी ऐसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो सरफेस हो रही है और वो रिलीज होगी होगी गाइस, है ना। तो ये हो रहा है, यस। वो ये भी है कि आपकी पर्सन जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, बिल्कुल आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो सारी एनर्जी क्या हो रही है, क्लीन एंड क्लियर हो रही है। कम्युनिटी बिल्कुल, ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात होगी जो इस जर्नी में उनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, और ये सेलिब्रेशन आपके लिए लिखा हुआ है गाइस। विक्ट्री के नीचे ही कम्युनिटी यानी कि सेलिब्रेशन भी है आपके लिए। डिसीट बिल्कुल, एक तो आपके पर्सन आपकी तरह ही परेशान, क्योंकि हो सकता है आप अपने पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी कुछ पिक कर रहे हो, उनके साथ जो घटता है ना, वो टोकरा आपके ऊपर भी रख दिया जाता है कि थोड़ा सा संभाल ले भाई। यूनिवर्स ये बोलते हैं, एंजल्स ये बोलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप, स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप, किसी भी तरीके से यहाँ आए हो तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। लोग उनको धोखा दे रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत आपसे बात करना चाहते हैं, एनजाइटी में अभी ये परेशानी है। आकेंजा माइकल बिल्कुल साथ में है, क्योंकि उनको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल उनके साथ है, और एक स्ट्रेटजी उनके साथ खेली जा रही है कि इस लूप से बाहर निकले, जिस लूप में वो फंसे हुए हैं, परिवार में, थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो इस लूप से तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि उनको अब बताया जा रहा है कि शांति चाहिए तो भाई मेडिटेशन करो, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखो, विल पावर के साथ रहो। अगर आपकी फैमिली चाहिए तो इस लूप से बाहर निकलो। फॉर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन के तरफ आप उनको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो ये है एनर्जी, छोटा सा ये मैंने एनर्जी, आप छोटी सी एनर्जी आप लोगों के लिए निकाली है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज किया होता है, लाइक करो। अगर अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। 21 डेज के लिए मैंने 777 अपना एनर्जी एक्सचेंज रखा है, हाफ एन आवर के लिए। आप कन्फर्मेशन कुछ भी बात कर सकते हैं, काउंसलिंग या रीडिंग कुछ भी कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी कीजिए, देर नहीं कीजिए, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, जय माता।